डे टू का दूसरा पार्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस। जैसे किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट के रूप में हम किस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस को बताएंगे, जो हमने रूल्स पढ़े लास्ट वीडियो में, अब उनके हिसाब से उन रूल्स को लगाकर कुछ वाक्य बताए गए हैं कि किस सिचुएशन में किस जगह पर हम किस तरह का इंग्लिश में वाक्य यूज़ करेंगे। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। अब मुझे किसी ने, मतलब मैंने किसी को मिलने का दिया था, मैं नहीं वहाँ पे जा पहुँच पाया, तो मुझे उसको सॉरी बोलना, उससे माफ़ी मांगनी, तो कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, मैं उस दिन नहीं आ सका। अब इस तरह है दूसरा, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका। मेक इट मतलब कर सका, जिस भी काम के लिए हम यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं तो उसके लिए मेक इट लिख गया। मेक इट मतलब नहीं टाइम पर आ सका या बना पाया, मैं नहीं टाइम बना पाया सही से। इसको इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, आई कुडंट मेक इट इन टाइम, बट हिंदी में इसको बोलेंगे मैं समय पर नहीं आ सका। जिस भी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है तो उस चीज़ को नहीं कर पाया के लिए यहाँ पे मेक इट यूज़ किया गया है। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अब आप गए तो हैं लेकिन थोड़ा सा देर हो गए हैं, तो बोलेंगे आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट, मैं थोड़ा सा देर लेट हो गया, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। अब आप नहीं जा पाए तो जैसे हमने बोल दिया किसी और से, प्लीज़ मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना, तो उसको बोलेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज। कन्वे मतलब एक मेरी बात किसी दूसरे पर्सन तक, इंसान तक पहुँचाने, कन्वे मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचा देना बात को। प्लीज़ कन्वे, कृपया पहुँचा दे माई अपोलॉजीज, मेरी माफ़ी, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मेरी ये बात उन तक पहुँचा दीजिए, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कर दीजिए या माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। प्लीज़ एक्सक्यूज मी मतलब थोड़ा सा मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मुझसे गलती से हो गया। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली, अब आपकी वजह से किसी के काम में कुछ बाधा आ गई है। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया मतलब दुविधा में डाला या बाधा कर दी। माफ़ कीजिए, सिंपल शब्द है माफ़ की दीजिए। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, माफ़ कर दीजिए। अब इस पार्डन शब्द से आपको कुछ चीज याद आ रही है? एक रूल था जहाँ पे हमें, हम फोन पे बात कर रहे हैं ना, तो किसी ने कुछ कहा और हमको कुछ समझ नहीं आया, तो हम बोलेंगे पार्डन, तो उस वक्त इस पार्डन शब्द का मतलब होगा कि वो आपको कुछ समझ नहीं आया है। अब यहाँ पे आप सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए सिंपल बोलेंगे आई बेग योर पार्डन, बेग मतलब मांगता हूँ, योर पार्डन आपसे माफ़ी। तो माफ़ी के लिए आपने कितने अलग अलग से सेंटेंसेस पढ़ लिए, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी माफ़ी के लिए आई बेग योर पार्डन, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, बहुत पोलाइटली बोल देना है प्लीज़ एक्सक्यूज मी, और यहाँ पर सिंपल आई एम सॉरी। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अब आपको कुछ कहना है, आपको किसी से बात कर रहे हैं तो और आपको कुछ कहना है लेकिन आप उनसे अनुमति चाहते हैं बोलने की। अलाउ मी टू से, अलाउ मी मतलब मुझे अनुमति दें, टू से बोलने की, अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ कहना है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, तो बोलेंगे मे आई हैव योर अटेंशन, प्लीज़ क्या मैं आप सबका अटेंशन मतलब ध्यान अपनी तरफ ले सकता हूँ, क्या सब आप अपना ध्यान मेरी तरफ लेंगे, तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ मतलब ज़रा ध्यान दीजिए।
इसे अपनी ही चीज समझे। किसी ने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं उससे हिंदी में बोलते हैं, हाँ ओके, इसे अपनी ही चीज समझ लिए। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल योर्स, इट इज यह है ऑल, पूरा योर्स आपका, ये पूरा आपका, ये मतलब इट इज ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दे, अब भाई बोलते जा रहे हैं सब लोग, आपको भी बोलना है, कहते हैं आप कहोगे अरे मुझे भी तो बोलने दीजिए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, कि आप मुझे परमिट मतलब अनुमति देंगे, अलाउ करेंगे टू स्पीक बोलने की, क्या मुझे बोलने की अनुमति देंगे, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, यहाँ पे माँ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, अनुमति देंगे या अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है आप उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन आप खुद से नहीं करना चाहते, आप उससे पहले परमिशन लेंगे कि वो परमिशन दे तो आप उसकी मदद करें। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी मुझे करने दीजिए, ऑल्सो भी हेल्प मदद आपकी, यू आपकी, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए। अब आपको थोड़ी सी जगह चाहिए, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, आप बैठे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी आपको और जगह मिल जाए तो बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा सा और आगे को खिसक जाए, या किसी भी परिस्थिति में आपको खिसकने के लिए बोलना है या थोड़ा सा अलग हटने को बोलना है। विल यू प्लीज मूव आर्म विथ, क्या आप मूव मतलब होता है मूवमेंट करना, हिलना, थोड़ा सा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर होना, मूव आर्म विथ थोड़ा सा, क्या आप थोड़ा सा उधर खिसकेंगे। जरा धीरे बोलिए, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, क्या आप बहुत धीरे से बोलेंगे, थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, स्पीक स्लोली, जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज, क्या आप बहुत सॉफ्टली मतलब बहुत धीमे से बोलने की कृपा करेंगे। क्या आप मुझे बैठने देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। हिंदी में बोलते क्या मैं आपका समय ले सकता, इंग्लिश में बोलेंगे क्या आप मुझे स्पेयर मुझे देंगे अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, क्या आप अपने कुछ क्षण में मुझे देंगे, क्या अपने आप अपने कुछ क्षण मोमेंट्स मुझे देंगे। जैसी आपकी मर्जी, अब इच्छा आपकी जैसी भी है उसको इंग्लिश में बोलें एज यू प्लीज, मतलब जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। आराम से बैठिए, अरे आराम से बैठिए, कोई जल्दी नहीं, अच्छे से बैठिए। तो आराम से बैठिए के लिए बोलेंगे प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल आरामदायक, बहुत ज़्यादा आराम से, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठिए आप। तो इस तरह आपने देखा हिंदी में हम कुछ बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में रिस्पेक्टफुल वाले जब हम शब्द बोलेंगे तो सीधा हम एज इट इज इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर देंगे, थोड़े से जो रिस्पेक्ट वाले शिष्टाचार वाले शब्द होते उनको लगाकर इंग्लिश बनाएंगे। तो आपने ये देखा जैसे आपकी मर्जी, तो हमने मर्जी के लिए मर्जी वाला शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने प्लीज़ लगाया एज यू प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है जैसे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। और बाकी प्लीज़ का मतलब भी चेंज हो जाता है जब हम किसी और चीज़ के लिए लगाते, प्लीज़ गिव मी आ कप, तो वो कृपया करके लिए हो जाता है, प्लीज़ मुझे एक कप दे दीजिए, कृपया मुझे एक कप दे दीजिए। यहाँ पर प्लीज़ मर्जी के लिए लगाए, तो एक जो वर्ड होता है अलग अलग सेंटेंस में उसका अलग अलग तरह से मीनिंग उसका हो जाता है। तो आप ये सब अच्छे से एक बार देख लीजिए तो आपको फिर डिफरेंस पता लग जाएगा कि किस शब्द में कोई कहाँ पर लगने में क्या डिफरेंस आ रहा है। कष्ट के लिए क्षमा करें, किसी को थोड़ा सा तकलीफ हो गई है तो आपको बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब आपने किसी से थोड़ा सा कुछ बोल दिया कि आप ये काम कर दीजिए थोड़ा सा मेरा, अब वो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ और काम कर रहा था लेकिन आपने बोला तो उन्होंने आपका वो काम कर दिया, तो उनको जो थोड़ी सी तकलीफ हुई कि उन्होंने अपना काम छोड़कर आपने आपका काम किया, तो आपने बोल दिया
आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए माफी दे दीजिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब यही होता है कि किसी थोड़ी सी उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, मतलब उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई है, मतलब उसके हिसाब से उसके लिए वो कुछ चीज़ कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है। आपकी बड़ी कृपा है, मेहरबानी मतलब जहाँ पे मेहरबानी की बात हो रही है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू या सो काइंड ऑफ यू, वेरी या सो इनमें से कोई भी एक शब्द लगा सकते हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। लीजिए मतलब अगर किसी को कुछ लेना है, कहेंगे खाना ले लीजिए, अब आपने जैसे टेबल पे बहुत सारा खाना रखा है तब आप कहेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, मतलब ले लीजिए आप स्वयं से ले लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड मतलब बहुत खुशी हुई, प्रशंसा हुई, टू मीट यू मिलकर, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। यहाँ पे दो शब्द हैं काइंड और वैल्यूएबल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं है? आपकी वैल्यूएबल मतलब कीमती सलाह के लिए, काइंड भी मतलब होती है आपकी अच्छी सलाह के लिए, दयालु दयालुता जो भी आपने दयालुता दिखाई है सलाह दी उसके लिए, तो कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपना जो सबसे बेस्ट लेवल है वो ट्राई करूँगा, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ, अगर किसी एक व्यक्ति के लिए बोल रहे कि आप मज़े में हैं तो बोलेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। अब बहुत सारे व्यक्तियों के लिए आपको बोलना है, मल्टीपल लोग हैं, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे इंग्लिश में, जो आप जब रिस्पेक्ट के लिए बात करेंगे दूसरों से रिस्पेक्टफुली तब आप बोलेंगे। अब हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें से थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा और याद रखने की बातें पढ़ लेते हैं, याद रखें रिमेम्बर। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टर केदारनाथ हैज कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू शब्द का ही प्रयोग होता है। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, हिंदी में हमसे कोई छोटा है तो हम उसको सीधे बोलेंगे तुम क्या चाहते हो, तो अभी इंग्लिश में उसको बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। अगर कोई बड़ा है जिससे हमें रेस्पेक्टफुली बात करें तो हम हिंदी में बोलेंगे आप क्या चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस सेम रहेगा एज इट इज़, व्हाट डू यू वांट, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, यू का मतलब यू ही रहेगा, हिंदी में आप और तुम हो जाएगा लेकिन इंग्लिश में यू यू ही रहेगा। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे वे रात को आ सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसको रात को आना, हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको रात को आना है, तो आदर के लिए लगा देंगे वे रात को आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एज इट इज ही रहेगा ही मे कम एट नाइट। अब कोई और दूसरा वो नहीं शब्द लगाएंगे बहुवचन बनाने वाला, सिर्फ सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा ही मे कम एट नाइट। अब आगे पढ़ते हैं, और क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है, इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। अब जैसे एक्सक्यूज, अब यह हमने पीछे अभी पढ़ा पहले कि क्षमा मांगने के लिए एक्सक्यूज भी शब्द यूज किया, फॉरगिव मी भी यूज किया, पार्डन भी यूज किया,
मिस्टेक भी यूज़ किया, सॉरी भी यूज़ किया। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्यूज, क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें। सिंपली आपने बोलना प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आपसे कुछ गलती हो गई, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू एर इज ह्यूमन, एर मतलब गलती करना, इज ह्यूमन इंसान का काम है। तो फॉरगिव इज डिवाइन, फॉरगिव मतलब क्षमा कर देना, इज डिवाइन मतलब ईश्वर का काम है। जहाँ पे कुछ ऐसी गलती हो गई जहाँ पे जिसके लिए सजा मिलनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी गलती, तो वहाँ पे फॉरगिव हुआ। हाँ छोटी मोटी कुछ भी, हाथ टच हो गया कहीं किसी के, लग गया गलती से, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, पार्डन। अब पार्डन कब यूज़ करेंगे? अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। अब मतलब किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसकी गलती के लिए हम उसको क्षमा कर रहे हैं। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, अब अपराधी ने इतनी बड़ी गलती करी, अब वो क्षमा चाहते तो वो बोलेगा प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं। अब किसी को गलती से कुछ समझ दिया, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर, मुझे गलती से डॉक्टर मत समझिए। सॉरी, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, हाँ, कि किस तरह से, किस तरह के वाक्यों में हमने इनको अलग अलग तरह से यूज किया, सॉरी को, मिस्टेक को, पार्डन, फॉरगिव और एक्सक्यूज। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार बाकी के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट, यह भी चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अब सिंपल से इंग्लिश में आप बोल देंगे प्लीज़ रिपीट इट, लेकिन अगर आपको अच्छे से इंग्लिश में बोलना है तो आई बेग योर पार्डन, इस तरह से आपको बोलना है।